एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकिता जिंदल और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएफओ के करंट अफेयर के। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट के जितना भी लास्ट मंथ में करंट अफेयर आया है एंड दैट इज रेलिवेंट फॉर द ईपीएफओ एग्जाम, तो वही सारी चीज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू प्रॉपरली। एंड गाइज, कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में, या स्पेशल क्लास यू वॉन्ट रिगार्डिंग द ईपीएफओ एग्जाम, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो प्लस या आइकॉनिक कॉम्बो आपको मिलता है, जहाँ पे ऑप्शनल भी 25%, 10% हमारे रेफरल कोर्स है दैट इज द स्टडी आईएएस, एडिशनल 10% ऑफ मिलता है और आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है, जहाँ पे आप अपनी बेस्ट प्रिपेरेशन यहाँ पे कर सकते हो। अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो है गाइज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रही है। 2.3 लाख का सब्सक्रिप्शन जस्ट ओनली ₹57.5K में आपको मिलता है। साथ में मेंटरशिप डेज है, जहाँ पे अगर आप लोग आइकॉनिक का कोई भी प्लान लेते हो, साथ में जस्ट आपको 2000 पे करना है और आपके पास जो है वो आइकॉनिक का ऑप्शनल भी हो जाएगा। स्टडी आईएएस के रेफरल कोड के साथ आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा, दैट इज अ 10%। आप लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए लोन भी ले सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेंगे। 10,000 की 20 बुक्स मिलेंगी। कॉम्बैट में एनरोल जरूर कर लेना, आपको बेस्ट एवर स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनवाइट कोड है स्टडी आईएएस। 60 days टू गो फॉर प्रीलिम्स, 2 month का सब्सक्रिप्शन लेना है अगर, तो ओनली जस्ट ₹15,000 में आपको ये मिल जाएगा। 360 कवरेज बैचेस लॉन्च हुए हैं, जहाँ पे 70 आवर्स में 1st of September से आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 1 year का बैच लॉन्च हुआ है 25 अगस्त से, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको प्री का मेन्स लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय देम। सो बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आप लोगों की ये सारी चीजें कवर हो रही है। तो चलो अभी तैयार होते हैं फॉर द ईपीएफओ एग्जाम के लिए। एंड ये एग्जाम आप लोग जानते ही हो 5 सितंबर को होने वाला है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वो सारी आपकी स्टडी आईएएस चैनल पे कवर हो रही है। फर्दर एनी काइंड ऑफ वीडियो यू वांट, सो यू कैन आल्सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एन एनवायरमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज अपने सामने आती है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 21। जितनी भी रिपोर्ट आई है लास्ट मंथ में या ऑर्गेनाइजेशन आई है इन द न्यूज, वो सारी आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 21 आई थी, जो कि ये बता दी थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के इसके द्वारा जो है वो लॉन्च की गई थी, जो ये बता रही थी कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है अब वो बढ़ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आप देख सकते हो। अब फॉरेस्टेशन लोग ज्यादा कर रहे हैं, रिस्टोरेशन ज्यादा हो रहा है। Now the tell me one thing guys, what is the main difference between the afforestation and the restoration? दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस आप लोग समझते हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है, कई रीजन एशिया, यूरोप, ओशिएनिया जो है वो इस ट्रैक पे आने वाले हैं। और अभी तक ग्लोबल फॉरेस्ट गोल जो रखा गया है कि हम लोग पूरे विश्व भर में फॉरेस्ट का क्या टारगेट हम लोगों ने रखा है, सो दैट इज अ 2030 कि अब 2030 तक 3% एरिया जो है वो हम फॉरेस्टेड एरिया जो है इंक्रीज कर लेंगे, राइट। इंडिया की रिगार्डिंग इसमें क्या बात है, इंडिया ने 200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। ट्री कवर हर साल यहाँ पे जो है वो बढ़ता जा रहा है। इनिशियल ओवरव्यू प्रोग्रेस की बात करें तो 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल है, 26 टारगेट है जो हम लोगों ने इसके लिए सेट करे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कौन से वो गोल हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना है इस रिपोर्ट से रिगार्डिंग कि इंडिया भी उस ट्रैक पे आने वाला है, बट इट टेक्स अ टाइम, लेकिन 2030 तक हम 3% ऑफ फॉरेस्ट एरिया ग्रो करने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली चलो 52 वॉलेंट्री नेशनल रिपोर्ट या 19 वॉलेंट्री नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें आ रहा है, जो कि 75% ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड को इंक्रीज करता है। कौन कौन से गोल्स हैं हमारे, एक है GFG 1 कि जो फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है, वेदर वो फॉरेस्ट जो लॉस हुआ है चाहे वो फैक्ट्रीज लगाने की वजह से हुआ हो या फिर फायर लगने की वजह से, किसी भी तरीके से हुआ हो, तो उस फॉरेस्ट कवर लॉस को मतलब रिवर्स करना, इम्प्रूव करना फॉरेस्ट के बेनिफिट, फॉरेस्ट से आने वाला जो धन है
जैसे अपने इंडिया में एक स्कीम भी लॉन्च की गई है ना फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, बताओ कौन सी है कमेंट सेक्शन में। सो फॉरेस्ट से आने वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं या जो लाइवलीहुड्स हैं वो भी यहाँ पे इम्प्रूव करना। इसके साथ सस्टेनेबल फॉरेस्टेड प्रोडक्ट जैसे फ्यूल हो गया, वुड हो गया, फोडर हो गया, ये जो चीजें हैं जो यहाँ से आती हैं उनका बेनिफिट अच्छे से तैयार करना, रिसोर्सेज मोबिलाइज करना, फॉरेस्ट गवर्नेंस को ज्यादा ग्रो करना, कोऑपरेट करना, वर्क अक्रॉस द सेक्टर, ये 6 गोल हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। ईपीएफओ के एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इज नॉट कवर्ड इन द ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 21, ऐसे पूछ लेंगे। तो आपको 6 के 6 नाम जो है वो अच्छे से याद करने हैं। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अ मैक्स 1407, क्या कहती है ये, लेट्स हैव अ लुक। इंडिया के साइंटिस्ट ने फिलहाल डेवलप किया है एक हाई यील्डिंग और पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सोयाबीन जिसको आप मैक्स 1407 के नाम से बोल रहे हो। आपसे ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिसेंटली मैक्स 1407 कैन सीन इन न्यूज, व्हाट इज इट, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। एंड गाइस ये जो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीसीएस कई सारे स्टेट के अभी आ रहे हैं तो उनके लिए भी चीज इम्पोर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि मैक्स 1407 क्या चीज है, तो इट कैन बी आस्क, फाइन। सो प्लीज बी रिमेम्बर ये सोयाबीन की एक पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है। मैक्स जो है वो अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका ARI जो इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर, उन्होंने ICAR के साथ मिलकर इस चीज को बनाया है, डेवलप किया है। कल्टीवेशन कैसे, जैसे असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट है ना, ऐसे स्टेट की कल्टीवेशन के लिए काफी सूटेबल है। एंड ये फार्मर्स तक अवेलेबल हो जाएंगे 2022 के खरीफ सीजन में। नाउ वन मोर क्वेश्चन विद यू गाइज, we have a two kind of season, we have that is a rabi and a kharif season. एक season आता है summer में और एक आता है winter में। Super easy question, आपको ये बताना है कि जो kharif season है वो कब से कब तक का आता है, means is that of the summer or is that of the winter, simple question है, बता दीजिएगा। मैक्स 1407 की बात करें तो पिछले साल से अभी हम जो 17% की यील्ड है वो इसमें बढ़ोतरी हुई है, बेस्ट वेराइटी मिली है, 14 से 19% यील्ड की एडवांटेजेस हमें मिली है, हाईली अडेप्टिव है, यानी कि 20 जून से 5 जुलाई तक इसकी बिना किसी यील्ड लॉस के हमें इसे काफी अच्छी मिली है, रेजिस्टेंट है वेगरीज ऑफ द मॉनसून एज कम्पेयर टू अदर वेराइटीज। बाकी जितनी भी सोयाबीन की वेराइटीज आई है उसके रिगार्डिंग ये मानसून में काफी ज्यादा अच्छी निकली है। बाकी और कुछ चीजें आप पढ़ना कि इसको करीबन 43 डेज चाहिए होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए, 50% फ्लावरिंग के लिए, और 104 डेज चाहिए होते हैं सो दैट कि मेच्योर हो जाए। ये जो लाइन मैंने आपको लास्ट में पढ़ाई, दिस वन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी रिमेम्बर इट केयरफुली, एंड हो सके बहुत ज्यादा कंसाइज नोट्स आप लोग जो है वो जरूर बना लेना। डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस, इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं 90 मिलियन टन्स ऑफ सोयाबीन जो कि वाइड बहुत बड़े लेवल पे कल्टीवेट हो रही हैं एज अ ऑयल सीड, और प्रोटीन का तो आप जानते ही होंगे कि ये काफी अच्छा सोर्स है और बहुत ही चीप सोर्स भी है प्रोटीन का फॉर एनिमल फीड एंड द मेनी पैकेज्ड मील्स वगैरह के लिए, ठीक है। इंडिया का भी टारगेट है कि सोयाबीन में हम लोग वर्ल्ड के मेजर प्रोड्यूसर बने। अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि इंडिया का कौन सा सॉरी गाइस, कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉर द सोयाबीन के लिए, सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको सोयाबीन मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये मॉनसून के टाइम पे हो रही है एंड लाइक इसको 104 चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ, एक्चुअली ग्रोथ जब होती है तो 104 डेज चाहिए, तो कौन सी स्टेट में है आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हेंस 1407 इसकी हाई यील्डिंग हुई है, डिजीज रेजिस्टेंट है जो कि इंडिया को अचीव हेल्प कर सकती है ताकि इंडिया इस टारगेट को अचीव कर सके, उस चीज में ये मदद कर सकती है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज दैट इज अ WHO क्लियर्स मॉडर्ना वैक्सीन फॉर द इमरजेंसी यूज। ये पहले की न्यूज है बट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मॉडर्ना जो वैक्सीन है इमरजेंसी के लिए इसको WHO ने क्लियरेंस दे दिया था। फिलहाल
WHO ने मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की लिस्टिंग में डाल दिया है और अब ये फिफ्थ ऐसी वैक्सीन बन चुकी है जिसको वैलिडेशन मिल चुका है फ्रॉम द WHO। इज दैट क्लियर? चलो कोई और वैक्सीन भी आई है क्या? हाँ जी बिल्कुल आई है, जैसे पी फाइजर mRNA वैक्सीन आई है, एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन आई है, दोनों से अलग है बट वो चीज अवेलेबल है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है। तो बाकी वैक्सीन भी है जो कि अलाउ की गई है और कुछ वैक्सीन है जो कि इमरजेंसी के पर्पज से अलाउ की गई थी। वैक्सीन ऑलरेडी रिव्यू कर ली गई है WHO के एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा, जिन्होंने इसकी पॉपुलेशन के अच्छी पॉपुलेशन के लिए इसको अलाउंस भी दे दिया है, लेकिन एज ग्रुप्स बिल्कुल रिकमेंड करे हैं, इंटरवल्स भी बताए हैं, यानी कि फर्स्ट वैक्सीन और सेकेंड वैक्सीन के बीच में क्या इंटरवल्स रहेगा वो भी सब चीजें यहाँ पे बताई है। वुमेन्स को लेनी है, लैक्टेटिंग वुमेन्स को या नहीं, दैट ऑल्सो दे टॉक। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी बताइए, एवरीवन क्लियर है? सो गिव मी अ थम्स अप गाइस। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आ गई है, RBI ज्वाइंस नेटवर्क फॉर ग्रेनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइन, आपके लिए एक और क्लास हम लोग लेके आने वाले हैं जिसमें हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि लास्ट डेज में प्रेशर को कैसे कम करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस लास्ट डेज को प्रेशर को एज अ बेनिफिट की तरीके से ले लें और उसका फायदा उठाएं। किस तरीके से प्रेशर को बेनिफिट में कन्वर्ट करें वो एक चीज है, दैट इज अ थिंग कि हम यहाँ पे एक कवर करने जरूर वाले हैं। फाइन, तो चलो उस क्लास के लिए आप लोग अपडेटेड रहिएगा विद स्टडी IAS। अब कवर करते हैं RBI ज्वाइन नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। क्या है ये? RBI ने सेंट्रल बैंक जो है सुपरवाइजरी नेटवर्क ने ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम एज अ मेंबर की तरीके से ज्वाइन कर लिया है। क्या चीज ये NGFS? एक ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक है, यानी कि अलग अलग कंट्री के जितने भी सेंट्रल बैंक है, जैसे अपना RBI है, सुपरवाइजर है, उनका एक ग्रुप है जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कि भाई इकोनॉमी तो ठीक है, हमें करनी ही है ग्रो, लेकिन व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है गाइस ये कि कैसे इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ बाई साथ में कैसे दोनों ये चीज चल सकते हैं। हमें फैक्ट्री तो लगानी है, लेकिन फैक्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन का क्या? इसीलिए RBI या सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर? सो दैट कि हम एनवायरनमेंट को भी देखें, इकोनॉमी को भी देखें, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में होता है उस चीज को भी यहाँ पे इंश्योर करें। इट एम्स टू एक्सीलरेट द ग्रीन फाइनेंस और डेवलप किए जाएंगे, सेंट्रल बैंक का क्या रोल होना चाहिए एज अ क्लाइमेट चेंज के लिए वो भी चीज यहाँ पे देखी जाएगी। पेरिस में वन प्लैनेट समिट हुई थी 2017 में और जो कि बैंक ऑफ फ्रांस के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, तभी ये चीज लॉन्च हो गई थी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अपने सामने आती है रिगार्डिंग द सूत्र मॉडल। क्या है ये सूत्र मॉडल? न्यूज में इसलिए आया क्योंकि साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कुछ मीडिया रिपोर्ट की जो कि क्लेम करती हैं कि गवर्नमेंट सेकेंड वेव के दौरान ऑफ द कोरोना पैंडेमिक मार्च में काफी, मतलब दे हैड कॉशन द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सेकेंड वेव, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट को कॉशन किया है जब सेकेंड वेव कोरोना की आ रही थी। तो क्या है सूत्र मॉडल? लेट्स हैव अ लुक। पूरा नेम है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रांसपोर्ट मॉडल, ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सिमुलेट कर रहा है फ्लूइड मूवमेंट को और ट्रांसपोर्ट ऑफ इधर एनर्जी और डिजोल्व सब्सटेंस इन सब सरफेस एनवायरनमेंट, जो कि सबसे पहले 1984 के अंदर रिलीज किया गया था। एक थ्री डायमेंशनल ग्राउंड वाटर मॉडल है ये जो कि सोल्यूट करता है ट्रांसपोर्ट को। सोल्ट वाटर जो चीज होती है ना, या फिर टेम्परेचर होता है अपने एनवायरमेंट में, उस चीज को ये सिमुलेट कर रहा है। ये सॉल्ट वाटर इंट्रूजन या कंटामिनेंट ट्रांसपोर्ट या थर्मल पोल्यूशन, इन सब को खत्म करना या इनके असर को खत्म करने की बात करता है सूत्र मॉडल। इट एम्प्लॉयज अ वे ग्रिड दैट इज बेस्ड ऑन अ फाइनाइट एलिमेंट एंड इंटीग्रेटेड फाइनाइट डिफरेंस हाइब्रिड मेथड फ्रेमवर्क, कुछ और चीजें रहने वाली है। आपने सिर्फ इतनी सी चीज याद करनी है कि जो सूत्र मॉडल है वो एनर्जी कंटामिनेंट ट्रांसपोर्ट थर्मल पोल्यूशन सॉल्ट वाटर इंट्रूजन के इफेक्ट को सिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इतनी लाइन याद कर लेना, इनफ हो जाएगा। मूविंग टू एनवायरमेंटल न्यूज, दैट इज अ ज़ाइलोफिश दीपाकी। क्या हो क्या सकता है ये? इमेज बताती है कि भाई मैं तो स्नेक हूँ, ठीक है मान लेते हैं, चलो
वेस्टर्न घाट में एक नई चीज आई है, एक नई स्पीसीज डिस्कवर हुई है जिसका नाम है जाइलोफिस दीपकी। ठीक है, तो देपी देखी गई है, मतलब ऐसा कुछ याद कर लो ना, देखी गई है। एक स्नेक है जो कि छोटा स्नेक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। टिनी स्नेक है जिस 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इडी डिसेंट स्केल्स इसके ऊपर आपको जो है वो मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से स्केल्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। इंडियन हार्पिटोलॉजिस्ट है दीपक वैरप्पन, उन्होंने ही इसके बारे में सर्च किया है, इसीलिए उन्हीं के नाम पे स्पीसीज का नाम जो है वो रख दिया गया है। इट्स नॉट अ नॉर्मल स्नेक की जैसा नहीं है, इरेक्टिंग एक नई सब फैमिली जाइलोफिलान की फैमिली से बिलोंग करता है, और ये वुड स्नेक को अकोमोडेट हो रहा है, यानी कि वुड स्नेक जैसा ये प्रतीत होता है। ड्रायर रीजन में मिल रहा है, लोअर एल्टीट्यूड में मिलता है, अराउंड द अगस्त मले हिल्स। अब आपके लिए स्नेक के बारे में जानना, जैसे अगस्त मले जो हिल्स हैं वहां के लोअर एल्टीट्यूड, यानी कि जब हिल स्टार्ट होती है तभी ये जो है वो मिल रहा है। टिनी स्नेक है, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। आपको इतनी चीजें याद करनी है। आपके लिए क्वेश्चन है, अगस्त मले जो हिल्स हैं वो कौन से स्टेट में है। योर ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, या फिर लास्ट है आंध्र प्रदेश। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ABCD करके आप लोग बता दीजिएगा कि अगस्त मिले हिल्स कहाँ पे है। मैं आपको बता देती हूँ कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के अंदर ये भी चीज आ रही है, एक उसी का ही हिस्सा है। एक और चीज इम्पॉर्टेंट है, अगस्त मले बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, लेकिन लोकेशन मैं आपको इसकी कमेंट सेक्शन में बताऊंगी, या आप बता देना। नीलगिरी जो आता है वो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु का, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तीनों स्टेट के बॉर्डर पे है। अगस्त मले एक्चुअली में जो हिल्स है ना वो अगस्त मले बायोस्फीयर रिजर्व में आती है, नीलगिरी में नहीं आती। ठीक है, तो इसके नीचे पड़ता है तो वो वहां पे आ जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे जो न्यूज है अपने सामने वो है, 8 एशियाटिक लॉयन टेस्ट पॉजिटिव फॉर द COVID-19। ये न्यूज काफी फेमस है और आप लोगों ने जरूर इस न्यूज को पढ़ा होगा। 8 एशियाटिक लॉयन है जो कि COVID-19 से अटैक हुए हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जो कि टेस्टेड हुए थे कोविड पॉजिटिव। फर्स्ट केस आया था ये लॉयंस का या किसी भी एनिमल्स का जो कि पॉजिटिव हुए थे। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने आती है ये कि जो ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ये क्या है, इसके आसपास कोई और पार्क या कोई नेशनल पार्क या समथिंग कुछ और है क्या, वो चीज आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद पढ़िएगा। एशियाटिक लॉयन को गाइज आप लोग इंडियन लॉयन भी बोल सकते हो, ठीक है। वी हैव अ टू काइंड ऑफ लॉयंस, वन इज एशियाटिक, अनदर वन इज अफ्रीकन लॉयंस। तो दोनों के फीचर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, तो आप खुद से पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है, और क्लास के बाद पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी। एशियाटिक लॉयन को आप इंडियन लॉयन बोलते हो, और इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो पर्सिका है, जो आपको याद नहीं करना। ये रिस्ट्रिक्टेड है, इनकी फिलहाल जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड है गिर नेशनल पार्क और एनवेरेंस स्टेट ऑफ गुजरात में, वहां पे ये नहीं जा सकते। स्टेटस की बात करें तो स्केड्यूल 1 में ये शामिल है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर किसी भी स्पीसीज को शेड्यूल 4 में आप शामिल करते हो तो उसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट इम्प्लाई, मतलब क्या होगा, क्या क्या उसके लिए उसकी पॉचिंग हो सकेगी, क्या उसका मूवमेंट हो सकेगा फ्रॉम वन एरिया टू द अनदर एरिया, वो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप स्पीसीज को शेड्यूल 1 में डाल रहे हो तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें हैं शेड्यूल 1 में डालने से, ऑब्वियसली यू कांट पोचिंग, पोचिंग जो है उसका नहीं हो सकती, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसकी अटमोस्ट जो है वो केयर की जाएगी, एंड
इसके लिए लाइसेंस डेफिनेटली जो है वो लेना पड़ेगा, और बहुत सारी कंट्री इसके आसपास किसी दूसरी अगर कंट्री में है तो उसको अल्टीमेटेड प्रोटेक्शन यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। अगर कोई भी इसका पोचिंग करता है तो उसके लिए डेफिनेटली फाइन एंड पनिशमेंट काफी बड़े लेवल पे होने वाली है। ओके, सो शेड्यूल वन एंड टू की तकरीबन चीजें सेम है, और अगर आपको इसको लेना है उस स्पीसीज को एज अ डोमेस्टिक या वैसे कुछ होम में, तो यू हैव टू टेक द लाइसेंस फॉर दैट थिंग। यहाँ तक क्लियर है? अपेंडिक्स वन में शामिल है, सो साइट ने भी इसको अपेंडिक्स वन में डाल दिया है। अभी इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन लॉयन जो है IUCN की लिस्ट के अंदर वल्नरेबल है। गाइस अगर मैं आप लोगों को बता दूं, थ्रेटन जो स्पीसीज हम स्टेटस देते हैं हर एक स्पीसीज को, थ्रेटन्ड के अंदर डाला जाता है। अब इसमें सबसे जो नीचे है जैसे वो वल्नरेबल है, इससे पहले एक लिस्ट कंसर्न भी होता है, ठीक है, फिर नॉर्मली एक थ्रेटन्ड होता है, फिर वल्नरेबल होता है, देन एंडेंजर्ड होता है, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका आपको मिलेगा, इसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड आपको मिलेगा, एंड एक आई थिंक इससे पहले नियर एक्सटिंक्ट का स्टेटस भी मिलता है, फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंड देन लास्ट में एक्सटिंक्ट आपको स्टेटस मिलता है। और जब एक्सटिंक्ट मिल गया तो आपको वो पूरी पृथ्वी पर वो स्पीसीज नहीं मिलती। एग्जाम्पल डायनासोर्स की बात कर लेना, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? और वी आर लिविंग इन सिक्स मास एक्सटिंक्शन, यानी कि छठे सबसे बड़े एक्सटिंक्शन के दौर में हम लोग जी रहे हैं। एक केनाइन डिस्टेम्पर वायरस है जो कि अभी यहाँ पे जनरेट हुआ है। फिलहाल एक डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ केनाइन डिस्टेम्पर वायरस और बेबी सियोसिस एक डिजीज आई है जो कि टिक बॉर्न पैरासाइट्स के द्वारा कोज हो रही है, जिसकी वजह से एशियाटिक लॉयंस गिल्स फॉरेस्ट सेंचुरी में मरने लग गए थे। इसीलिए अब वहां पे इसको जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते ही हो पहले हमारे पास काफी एंडेंजर्ड स्टेटस है, ऊपर से वहां पे पैरासिटिक डिजीज फैल गई थी, मतलब वो डिजीज जो पैरासाइट या परजीवी ने फैलाई थी। फाइन, सो इसलिए वहां पे इनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। एक कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है, मतलब कॉन्टेक्ट में आने से फैलने वाली डिजीज है ये, जो कि बेबी सियोसिस है या डिस्टेम्पर वायरस है जो पैरासाइट के द्वारा फैला जा रहा है। एनिमल स्पीसीज डॉग, कोयोट्स, फॉक्सेस, पांडास या वॉल वगैरह में आपको मिल जाएंगे। आपने कभी देखा हो किसी डॉग के कान पे या उसकी बॉडी पे आपको पैरासाइट या इंसेक्ट वगैरह लगे हुए दिखाई दे जाते हैं, या वो बहुत ही अगली सा दिखाई देता है डॉग, तो वो डिजीज वही होती है, ठीक है, एंड वो डिजीज फैलती बहुत जल्दी है। रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो या नर्वस सिस्टम होता है एनिमल्स का, उसको बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है, खतरे में डाल देती है। इज दैट क्लियर गाइज? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट अपने सामने आता है R21 मैट्रिक्स M के बारे में। मलेरिया की वैक्सीन कैंडिडेट एक ये इसका नाम है मैट्रिक्स M, न्यूज में इसीलिए आई थी। मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट R21 मैट्रिक्स M ने प्रॉमिस किया है फेज 2B में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कि 77% इसकी एफिकेसी जो है वो हमें मिल गई है, यानी कि 77% लोगों में ये कामयाब हो रही है जो मलेरिया की वैक्सीन है। बैकग्राउंड क्या है? प्रीवियस जो वर्जन है RTS एक वैक्सीन कैंडिडेट है मलेरिया की, डेवलप हुई थी पिछले 30 सालों से, जो कि वॉल्टर रीड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के द्वारा बनाई गई थी। गाइस अब देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कि इतने डेप्थ नॉलेज में आप लोग कैसे इस सबको पढ़ेंगे, स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड क्या चीज थी। फाइन, सिर्फ सुन लीजिए, अगर एक बार वीडियो नहीं होती है क्लियर तो 2-3-4 बार सुनिए, लेकिन सुनने से जल्दी आपको फर्क पड़ेगा। डिजाइन हुआ है टू स्टॉप द प्लाज्मोडियम, जो फैल्की पैरू मलेरिया पैरासाइट होते हैं, यानी कि जो मलेरिया है पैरासाइट वो लीवर में एंटर कर जाता है, लेकिन वैक्सीन लगेगी तो ये जो चीजें एंटर नहीं हो पाएगा लीवर में और ज्यादा डेंजर नहीं हो पाएगा, डेडली जो ब्लड स्टेजेस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें? बच्चों में ये काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है। इस वैक्सीन के बारे में बात करें, सो RTS S का ही एक मॉडर्न वर्जन है ये,
ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी ने और एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जो है वो डेवलप की थी। सबसे पहली वैक्सीन है मलेरिया की जिसने 75% या उससे भी ज्यादा एफिकेसी को अचीव किया है। ग्लोबल लेवल पे मलेरिया की बात करें तो करीबन 2 to 9 million केस है मलेरिया के, और इतनी ज्यादा डेथ हो चुकी है आज तक 87 कंट्री में, तो मलेरिया भी काफी घातक सिद्ध हो रहा है। चिल्ड्रन 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है सब सहारन अफ्रीका में 2/3 ऑफ ग्लोबल डेथ का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आती है P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में। क्या चीज एयरक्राफ्ट है एक्चुअली ये, ठीक है, क्या चीज क्या है ये? यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने फिलहाल सेल ऑफ 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट के प्रपोजल को अप्रूवल ले लिया है रिलेटेड इक्विपमेंट टू द इंडिया, और इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो इंडिया के लिए इसको अप्रूवल मिल चुका है। है क्या चीज P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट? एक लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि बिलोंग करता है, यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरर है एंड बॉइंग 737 कमर्शियल एयरक्राफ्ट, और इंडिया पहला इसका इंटरनेशनल कस्टमर बनने वाला है। याद रखना यूएसए है और इंडिया पहला इसका इंटरनेशनल कस्टमर बनने वाला है। फीचर्स की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, जैसे अपना ये प्यारा भारत, इसकी ये जो कोस्ट लाइन है तटीय इलाका है इसको प्रोटेक्ट करेगा, ये टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया को सेफगार्ड करेगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर या एंटी सर्विस वॉरफेयर इंटेलिजेंस मैरिटाइम पेट्रोल सर्विलांस और रिकनाइसा मिशंस वगैरह को भी ये चीज डेवलप करेगा। अब देखो हम कुछ बात करते हैं, सबसे पहली एन इम्पॉर्टेंट चीज गाइस, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैं इधर कह रही हूँ कि इधर है चाइना, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो इधर चाइना है। चाइना ने क्या किया हुआ है, काफी बड़ी एक स्ट्रिंग पियर्स ऑफ थियरी यहाँ पे बनाई हुई है, ये कुछ इस तरीके से करके ऐसे बनाई हुई है जो कि जैसे यहाँ पे ये इधर म्यांमार की तरफ, श्रीलंका की तरफ, इधर ईरान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, यानी कि कई जगह से हमें इंडिया को घेरा हुआ है, एक तरीके से पूरी इंडिया को पूरे सबमरीन एरिया का कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब हमारे लिए ये चीज जरूरी है कि हम अपने प्रोटेक्शन खुद ही यहाँ पे जनरेट करें, वो एक चीज हमारे लिए जरूरी है। हमने एक बार किया था जो सेशल्स एक आइलैंड है वहां पे कंट्रोल लेने की बात की थी, बट वो डिनाई हो गया। अगर वो कंट्रोल हम ले लेते तो जल्दी से चाइना हम पे अटैक नहीं कर पाता क्योंकि हम भी पीछे से एकदम अटैक करने की उसमें रहते, फाइन। सो इसीलिए हमारे अरेबियन सी में बहुत सी चीजें जैसे कांडला एयरपोर्ट हो गया या फिर इधर इधर है, हमने भी अपनी प्रोटेक्शन बनाई हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी चाइना ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है, फाइन। जैसे अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है, ऐसे ही पानी के अंदर एक शिप होती है जिसको सबमरीन का नाम देते हो, एंड वो शिप क्या करती है, पानी के नीचे बिल्कुल सतह पर बैठी रहती है, और अगर वाटर के थ्रू कोई अटैक होता है यानी कि कोई भी खतरा हमें डेंजर अगर दिखाई पड़ता है तो वो सबमरीन को पहले ही उस चीज के बारे में पता चल जाता है। वन, ये एक तरीके से हमारे डिफेंस की चीज होती है, 1 week में एक बार सबमरीन ऊपर आती है, मतलब पानी के ऊपर आएगी और सांस लेगी और फिर से नीचे चली जाएगी, तो उसकी एक बार लिया हुआ सांस 7 दिन तक जो है वो चलता है। यहां तक बातें सबमरीन वगैरह के बारे में क्लियर है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पेस एक्स नाइट टाइम स्प्लैश डाउन के बारे में। व्हाट इज इट स्पेस एक्स नाइट एक्स स्प्लैश डाउन? फिलहाल एलन मस्क स्पेस एक्स मार्क किया था, सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है Crew-1 मिशन का फॉर द नासा के लिए। लैंडिंग के बाद Crew-1 मिशन यहाँ पे उसका कामयाब हो गया है, सक्सेसफुल लैंडिंग इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको ऑफ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा के वहां पे इसकी लैंडिंग हो गई है। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को एक बार मैपिंग कर लेना, देख लेना कि मैप में ये कहाँ है।
ये पहला सिक्स क्रियूड मिशन में से, छह क्रियू मिशन में से पहला है जो कि नासा और स्पेसएक्स ने ऑपरेट किया है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में। नासा के कमर्शियल का हिस्सा है, उद्देश्य है इसका कि स्पेस इजियर कर देना, यानी कि स्पेस पे जाना आना उसको सस्ता कर देना, कॉस्ट उसमें काफी चीप कर देना, इजी ट्रांसपोर्ट हो सके, पॉसिबल हो हर इंडिविजुअल के लिए कि वो टिकट मतलब परचेज कर सके, कॉस्ट ऑफ गोइंग टू स्पेस फॉर एजेंसीज के लिए, इसलिए क्रू वन मिशन सामने आया था। नाइट टाइम स्प्लैश डाउन लास्ट यूएस का मिशन है ताकि जो एस्ट्रोनॉट हैं टू लैंड ऑन वाटर इन द डार्क वॉज अ हिस्टोरिक अपोलो 8। आपको पता ही होगा कि यूएस का अपोलो 8 जो है वो लैंड ऑन वाटर हुआ था, लास्ट वाला था, एस्ट्रोनॉट वहां पे लैंड हुए थे। वो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था जो कि ऑर्बिट कर रहा था मून को 1968 के दौरान, हम बात कर रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट ने 6 दिन वहां पे बिताए थे स्प्लैशिंग से पहले इनटू पैसिफिक ओशन, हवाई बिफोर डॉन मतलब संध्या होने से पहले वहां पे 6 दिन बिताए थे। एडवांटेज क्या थी कि जितनी भी डिस्टर्बेंस थी प्राइवेट बोट या सेफ्टी रिस्क वगैरह से वो चीज खत्म हो गई थी। फाइन, ज्यादा चीजें नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, क्रू वन मिशन के बारे में हल्का सा पढ़ लेना इनफ रहेगा। नेक्स्ट आता है आरबीआई स्टेप्स इन टू ईज कोविड-19 बर्डन। कोविड-19 के बर्डन को ईज करने के लिए स्टेप यहाँ पे ले गए हैं बाय द आरबीआई। आरबीआई के जो गवर्नर है ऑनरेबल शक्तिकांत दास जी ने अनाउंस किया है कुछ मेजर्स ताकि हम नेशंस को कोविड सेकेंड वेव के इन्फेक्शन से जो असर हुआ है अपने नेशन को उससे हम कहीं ना कहीं बचा सकेंगे। लिक्विडिटी फैसिलिटी को एनहेंस यहाँ पे करने की बात की गई है। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं बाय द आरबीआई, लेट्स हैव अ लुक क्या क्या स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं। एक तो देखो, बैंकों को जो है फ्रेश लेंडिंग सपोर्ट मिलेगा वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज तक। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हो गए, इंपोर्टर सप्लायर हो गए, प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस हो गए, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, इन सब को काफी ज्यादा लेंडिंग सपोर्ट मिलेंगे। यानी कि अगर ये कोई भी लोन लेना चाहते हैं, लिक्विडिटी को एनहेंस करना चाहते हैं, तो उनको इजी वे में जो है वो मिल जाएगा। ये लोन कंटिन्यू होंगे टू बी क्लासिफाइड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी तब तक ये लोन जो है वो चलता रहेगा। कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर टिल रीपेमेंट और मेच्योरिटी। यानी कि मान लो मेच्योरिटी है 3 महीने और 3 मंथ और आपने रीपे कर दिया 2 महीने में ही, तो विच एवर इज अर्लियर मतलब जो पहले रहेगा, यानी कि ये पहले हो गया ना, योर पेड पहले हो गया और मेच्योरिटी बाद में आई, तो तभी तक ये लोन जो है वो चलेगा। फाइन, अगर मान लीजिए 3 महीने की मेच्योरिटी थी, आपने 3.5 महीने में पे करा है, तो 3 महीने तक ही लोन जो है वो अवेलेबल रहेगा। ऐसा आपका वेट नहीं किया जाएगा कि वेन यू विल बी पे। बैंक वर एक्सपेक्टेड एक कोविड लोन बुक भी जो है वो स्कीम के तहत बनाने वाले हैं, तो आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, यू कैन स्किप दैट। क्रेडिट फ्लो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर जो है उनके लिए भी क्रेडिट काफी दिया जाएगा, सो दैट कि आप जानते ही हैं कि कोविड के 19 इन्फेक्शन से वो काफी बड़े लेवल पे इंपैक्टेड हुए हैं। सो आरबीआई के थ्रू एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को भी क्रेडिट फ्लो दिया जाएगा। अनबैंक्ड एमएसएमई जो है, जो बैंकों से जुड़े हुए नहीं है, उनको बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा, जबकि स्केड्यूल बैंक को अलाउ किया जाएगा कि जो क्रेडिट है वर अलाउड टू डिडक्ट क्रेडिट गिवन टू न्यू एमएसएमई बोरोअर फ्रॉम नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी फॉर कैलकुलेशन इज एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2021। यानी कि जो नए एमएसएमई जो लोन ले रहे हैं फ्रॉम द बैंक साइड, उनका जो टेन्योर है अभी उसको 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट अपने सामने आता है आयुष 64। क्या है ये, न्यूज में क्यों आया है? फिलहाल पोली हर्बल ड्रग आयुष 64 ओरिजिनली डेवलप हुआ था 1980 में, सो दैट कि मलेरिया का ट्रीटमेंट हो सके। अब उसको रिपर्पज कर लिया गया है। रिपर्पज से मतलब होता है कि अगर वैक्सीन मलेरिया के लिए बनी थी तो अब उसे कोविड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एन आयुर्वेदिक एंटी मलेरिया ड्रग है, लेकिन अब इसे कोविड-19 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंसेस में डेवलप हुई है 1980 में, मलेरिया के लिए बनी थी, लेकिन उसके लिए इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई, लेकिन आज ये COVID-19 के लिए इस्तेमाल हुई है। पोटेंशियल एडजंक्ट टू स्टैंडर्ड केयर इन मैनेजमेंट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक और मॉडरेट COVID-19 की सिचुएशन से इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट अपने सामने आते हैं व्हाइट बेलिड हीरोन के बारे में। क्या चीज है ये हीरो, मतलब एक व्हाइट बेलिड हीरोन, व्हाइट कलर का है ये, बट ग्रेइश कलर पे आप इसकी बॉडी पे देख सकोगे। एक बहुत ही रेयर या इल्यूजी बर्ड है जो कि अभी अंजॉ डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल के, वहां पे स्पॉट हुआ है। इसको आप लोग इम्पीरियल हीरोन भी बोल सकते हो या ग्रेट व्हाइट बेलिड हीरोन भी आप इसे बोल सकते हो। मोस्टली सॉलिटरी है या फिर जो रिवर साइड आपको ये मिल जाएगा, वेटलैंड के आसपास आपको मिल जाएगा। नाउ इट्स अ क्वेश्चन विद यू गाइस कि जितनी भी वेटलैंड होती है उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेटलैंड को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करती है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन और वो कब बनी थी, कुछ उसके बारे में बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड है वर्ल्ड में और ये भूटान, म्यांमार और नामधापा जो टाइगर रिजर्व है वहां पे मिल रहा है। एक चीज याद रखना, वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड है फाउंड ओनली, ये जो वर्ड है ना ये कहता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ भाई, मुझे अच्छे से पढ़ लेना। सो भूटान म्यांमार और अरुणाचल, या फिर मैं कहूँ इंडिया में ही आपको मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में नामधापा टाइगर रिजर्व है, वहां पे आपको ये मिल रहा है। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाइट हीरोन ओनली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो वाली बात भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है इंडिया में और उसके आसपास वाले जो कंट्री का एरिया है उसमें मिलता है, तो भूटान और म्यांमार अपने आसपास ही है तो हम उसे भी सही कर सकेंगे। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो शेड्यूल 4 में है, तो अगर शेड्यूल 4 में है खतरा है बट इतना ज्यादा नहीं है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN ने इसका स्टेटस दिया है और वाइल्ड लाइफ के तहत शेड्यूल 4 में ये शामिल है। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने, जीवन सेवा ऐप है, कंपनी ने ई मोबिलिटी सर्विसेज अवेलेबल कराई है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके, सो दैट की जो सैनिटाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ताकि पेशेंट तक फॉर सेफ कम्यूट ऑफ पेशेंट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए ये अच्छे से पहुंच जाए। सर्विस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। प्रकृति ई मोबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी ईवी कैब, ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक है, कैब सर्विस है और सैनिटाइज्ड ये जो है वो रहेगी, सो दैट की ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को काफी हेल्प करेगी। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने लेदरबैक टर्टल से रिगार्डिंग आती है। एनवायरमेंट अप्रेजल जो कमेटी है उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने फ्लैग किया है सीरियस कंसर्न, यानी कि जो अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसमें एक कमेटी होती है एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी, उन्होंने कुछ कंसर्न बताए हैं रिगार्डिंग द नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट आया था फॉर द ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसके लिए काफी कंसर्न जताए हैं। नीति आयोग का विजन है फॉर ग्रेट निकोबार इग्नोर ट्राइबल इकोलॉजिकल कंसर्न को इग्नोर कर रहा है, उस चीज के रिगार्डिंग ये चीज आई है। लेदरबैक सी टर्टल के बारे में बात करें सो डर्मोकेल स्कोरिएशिया भी आप इसे बोल रहे हो, जिसे आप लोग ल्यूट टर्टल, लेदरी टर्टल या सिंपली लूथ भी आप इसे बोल सकते हो, और जितने भी लिविंग टर्टल्स हैं पृथ्वी पर उसमें से सबसे बड़ा टर्टल भी आप इसे बोल सकते हो। आप इस टर्टल को ऊपर से अगर देखेंगे ध्यान से तो ये जो स्किन है वो आपको लेदर जैसी अपीयर हो रही है, तो वही इसीलिए से लेदरी टर्टल बोला जा रहा है। ओनली लिविंग स्पीसीज है इसकी फैमिली में, डर्मोकेलिस जो फैमिली है उस फैमिली का ओनली लिविंग स्पीसीज ये अब बच चुका है। नेक्स्ट अपने सामने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के बारे में न्यूज आती है। क्या है ये? आपको याद हो चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे अब गिरने वाला है, मतलब वो लॉन्च तो कर दिया था बट चाइना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से अब वो रॉकेट कहीं पे भी गिरने का चांसेस थे। सो वो जो गिरा था वो मालदीव की किसी एक एरिया में गिरा था, उसके जो डिब्रिस है रेसिड्यू कह सकते हो चाइनीज के रॉकेट लॉन्ग मार्च 5D रॉकेट से अनकंट्रोल होने की वजह से उसके कुछ डेब्रिस मिले थे इंडियन ओशन में और ये वेस्ट ऑफ मालदीव में जाके
ही रहा था। लॉन्ग मार्च 5 या चांग जेंग 5 के बारे में बात करें, सो चाइनीज का हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम है जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऐसा व्हीकल था ग्राउंड से जिसका फोकस नहीं रहा था एंड नॉन हाइपरबोलिक लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट्स में से एक था। इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी थी वो 25,000 किलोग्राम थी टू द LEO और इसकी 14,000 kg इसकी क्या कहते हैं कैपेसिटी थी फॉर द GTO के लिए, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए। फाइन, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? नेक्स्ट न्यूज अपने सामने मिथेन एमिशन से रिगार्डिंग आती है। फिलहाल क्लाइमेट या क्लीन एयर कोएलिशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट आप लोगों को जरूर याद करनी है, एक हम क्लास भी लेंगे जिसमें सारी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस और इंडिया का रैंक वो सब यहाँ पे जरूर से जरूर याद करेंगे। फाइन, सो क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें ग्लोबल मिथेन असेसमेंट के बारे में बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप मिटिगेट कर सकते हो मिथेन के एमिशंस को। आप लोगों से कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन है, मिथेन एमिशन का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा इंडिया में सोर्स क्या है, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां से मीथेन के सबसे बड़े लेवल पे एमिशंस हो रहे हैं। क्लियर? देखो, एक तो चीज आती है फॉसिल फ्यूल सेक्टर, फॉसिल फ्यूल ऑयल, और जब हम गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो 23% ऑफ मीथेन एमिशंस वहां से आते हैं फॉसिल फ्यूल के सेक्टर से। कोयल माइनिंग जो होती है 12% के एमिशंस वहां से आ रहे हैं। वेस्ट सेक्टर की बात करें सो लैंडफिल्स और वेस्ट वाटर जो है वो करीबन 20% के एमिशंस वहां से आ रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें सो लाइफ स्टॉक जो एमिशंस है मैन्योर या फर्मेंटेशन वगैरह, यहाँ से 32% के मिथेन एमिशंस आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, मतलब मैन्योर कह लो या एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक के एमिशंस कह लो, वहां से काफी मिथेन के एमिशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम, फ्लड रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम एक लॉन्च किया गया है। ये असम का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है। EPFO एग्जाम दे रहे हो या UPSC का CAC एग्जाम दे रहे हो, सो आप लोगों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग से सेक्शन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वैसे ये ज्यादा आपको फील्ड में इस्तेमाल, ज्यादा मतलब टॉपिक इस्तेमाल होता है, तो आप अलग से भी ध्यान रखना कि अगर कहीं पे फ्लड आ रही है, विचार जरूर करना, अगर कहीं पे फ्लड आ रही है सो यू आर अ DM, तो आप लोग किस तरीके से उस चीज को हैंडल करोगे, वो चीज थोड़ा माइंड में रखना। नेक्स्ट, अपने सामने एक चीज आती है, नया सिस्टम है फॉर ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग डेली बेस पे, 15 मई से ये चीज स्टार्ट हुई है। इसके बाद हम इसके बारे में बात करें सो यूनिसेफ और एक एजेंसी के द्वारा आया है सो दैट कि फ्लड कंट्रोल को अच्छे से हम लोग पकड़ मैनेज कर सके और फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देख सके। इतनी ही न्यूज थी, बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना था। अभी तक सब कुछ चीजें क्लियर हैं, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट न्यूज आती है MIDH स्कीम के बारे में, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में। फिलहाल एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उन वेलफेयर ने एक एनहांस एलोकेशन यहाँ पे करीबन 2250 करोड़ की लॉन्च की है MIDH के लिए फॉर द ईयर 2021-22। ये एक स्कीम लॉन्च की गई है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अगर स्पॉन्सर्ड है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है ये स्कीम बनाई गई है। एंड मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करी है MIDH विद इफेक्ट फ्रॉम द 2014-15 से चल रही है, तब से इसके बेनिफिट हो रहे हैं। इसके जो सेक्टर है, कौन कौन से स्कीम कवर करे, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स फ्रूट ट्यूबर क्रॉप्स मशरूम वगैरह, ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। कैश्यू कोकोआ बेम्बू वगैरह इसके अंदर सबसे ज्यादा आ रहे हैं।
आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि जो एरोमेटिक प्लांट होते हैं वो कौन से तो प्लांट होते हैं और कहाँ पे आपको ये जो है सबसे ज्यादा मिल जाते हैं। एक और क्वेश्चन है कि क्या बेम्बू प्लांट है एज अ प्लांट और नॉट, ये आपसे क्वेश्चन मार्क है, बस यस नो में इसको आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपने सामने आता है, इस मिशन में कुछ सब स्कीम शामिल है, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो गया, आपको याद नहीं करना है, हल्का सा पढ़ लेना तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट आता है नासा का ओसिरिक्स रेक्स, ये क्या चीज है। नासा का एक ओरिजिन है स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर, एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि एस्टेरॉयड बेनू। अब पहला सवाल, व्हाट इज एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड जो होते हैं ना, मार्स और जुपिटर के बीच में गैस गैस या जो भी अलग अलग मतलब केमिकल्स कह लो या फिर जो पोल्यूशन होता है उससे जनरेट होने वाले कुछ रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं वो मैं आपको आगे भी दिखाने वाली हूँ। वे रॉकी ऑब्जेक्ट एक तरीके से बेल्ट बना लेते हैं बिटवीन द मास एंड द जुपिटर, और वही चीज अब आप उसे एस्टेरॉयड कह रहे हो। उसी एस्टेरॉयड में से एक नाम है एस्टेरॉयड बेनू। अब उसके बारे में नासर जो ओसिरिस रेक्स है इसने इसके बारे में पढ़ा है, पूरी डिटेल जो है वो जानी है। फाइन, अब देखो क्या है आगे। ये डिपार्ट करेगा एस्टेरॉयड बेनू को, स्टार्ट करेगा इसकी 2 ईयर लॉन्ग जर्नी बैक टू द अर्थ। अब ये वापस अर्थ पे आ रहा है, उसकी जो जर्नी है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है, क्या चीज ये ओसिरिस रेक्स। फर्स्ट मिशन है नासा का जो कि अर्थ के आसपास होने वाले एस्टेरॉयड को पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, सर्वे इट्स सरफेस एंड कलेक्ट कर रहा है एक सैंपल फ्रॉम द इट। ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया था 2016 में। न्यूज इसीलिए आई थी क्योंकि अब ये वहां से इसने सैंपल उठा लिया है, अभी अर्थ की तरह वापस आ रहा था तो इसीलिए ये न्यूज में आया था। साइंस एंड टेक का नॉलेज सेक्शन, आप साइंस एंड टेक की जो करंट अफेयर सेक्शन है वो आपको करना ही है, इसलिए इस न्यूज को आप, ये न्यूज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहां तक क्लियर है क्या सबको। आगे देखिए, ये एक सैंपल कलेक्ट करेगा, रिटर्न सैंपल जो है 2023 तक अर्थ पर ये पहुंचने वाला है। मिशन 7 ईयर लॉन्ग वॉयज है जो कि 60 ग्राम ऑफ सैंपल्स को लेकर अपनी अर्थ पे वापस आएगा और इस पे फिर बकायदा स्टडी होगी और एस्टेरॉयड के बारे में हम लोग जानेंगे। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल बैक टू अर्थ अपोलो एरा पर जो है वो आ रहा है और इसके बारे में स्टडी की जाएगी। एस्टेरॉयड रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं लेकिन प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं। ये इमेज एक्चुअली एक जिफ थी, सो इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। चलो, जैसे आप ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो ना, वैसे ही तरीके के पत्थर जैसे होते हैं जो कि किसी प्लैनेट के चारों तरफ आपको मिल जाते हैं लेकिन एक बेल्ट जनरेट करते हैं बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर के बीच में। यहाँ तक क्लियर है। इनको माइनर प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज दीज आर वेरी शॉर्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स। एस्टेरॉयड बेनू के बारे में बात करें सो एक्चुअली में ये पूरा एस्टेरॉयड नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, अवे फ्रॉम द अर्थ काफी दूर है। बी टाइप के एस्टेरॉयड है ये एंड कार्बन कंटेंट इसमें ज्यादा मिलते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है 4% ऑफ द लाइट और अर्थ रिफ्लेक्ट करती है करीबन 30% ऑफ द लाइट, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट का ही कुछ छोटा हिस्सा हम इसे कह सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज आइवरमेक्टिन ड्रग। ये एक ड्रग आया है जो कि साइंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर ऑनरेबल विश्वजीत राणे ने रिकमेंड किया है कि आइवरमेक्टिन जो है ऑल द अबव 18 टू कॉम्बेट कर सकता है कोविड। वहां पे स्टेट में ये कॉम्बेट करने में काफी कामयाब हुआ। WHO ने वॉर्न किया था इसके यूज से के खिलाफ कि आप इसे यूज ना करें। गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि एक नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है रिकमेंड करता है सभी रेजिडेंट को कि 18 प्लस जितने भी हैं वो 5 टेबलेट आइवरमेक्टिन ड्रग के ले सकते हैं सो दैट कि जो कोविड है उसे वो लड़ सकते हैं और घातक वायरल फीवर से भी वो लोग लड़ सकते हैं। कोविड 19 इन्फेक्शन में भी ये चीज कारगर सिद्ध हुआ है।
लेकिन समस्या तो वो यही है ना कि WHO ने इसके खिलाफ वॉर्न किया है कि दैट वी शुड नॉट यूज दैट थिंग। ये कुछ रिपोर्ट है पब्लिश हुई है अमेरिकन में। इस न्यूज को मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह यूपीएससी डेफिनेटली पूछता है, और अगर कोई चीज पब्लिश हुई है किसी भी मैगजीन या कहीं पे भी तो वो यूपीएससी अक्सर पूछ लेते हैं। WHO चीफ साइंटिस्ट है सोम्या स्वामीनाथन, उन्होंने ये कहा है कि इसका यूज आप लोगों को नहीं करना है। जर्मन हेल्थ केयर ने भी इसके यूज के खिलाफ ही बातें बोली है। ऑर्गेनाइजेशन वार्निंग अगेंस्ट द ड्रग, देर इज नो सफिशियंट डाटा और मीनिंगफुल कोई एविडेंस इसके भी नहीं है, बट गोवा की सरकार जो है वो इसको यूज करने के लिए बोल रही है। यहां तक की चीजें सबको क्लियर है, सो इट्स योर टर्न गाइस। आप लोगों ने लाइक करना है, थम्स अप जरूर दीजिएगा, शेयर करना है वीडियो लॉट्स ऑफ फ्रेंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईपीएफओ इन द यूपीएससी सीएससी एग्जाम, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को दैट इज अ स्टडी आईएएस, एंड हिट करना है बेल आइकन को। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आते हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो वायरस है रिसर्चर्स ने अभी कुछ मॉडल्स में इसको इम्प्रूव किया है इसके बारे में कि हम बच्चों को बचा सकते हैं इस तरीके के घातक वायरस से। प्रोटीन की कमी होने की वजह से, शॉर्ट चंक ऑफ प्रोटीन की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि ये वायरस इम्पैक्ट कर सकता है। फाइन, अबाउट ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है HPIV भी आप इसे बोल सकते हो, जो चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी है बच्चे का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। 30-40% काफी इन्फेक्शन ये कोज कर रहा है। एल्डरली पीपल को भी इफेक्ट करता है बट बच्चों में ज्यादा खतरनाक है। इन्फैंट, यंग चिल्ड्रन, ओल्डर अडल्ट या वीकेंड जिसका वीक इम्यून सिस्टम है वहां पे ये ज्यादा खतरनाक है। ट्रांसमिशन की बात करें तो एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से डेफिनेटली फैल रहा है, एयर बाय कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू फैलता है, तो कॉन्टेजियस हम इसे बोल सकते हैं। अलग अलग तरीके के HPIV आप लोगों को मिल जाएंगे एंड ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लेना। HPV 1, HPIV 2, 3 एंड 4 आपको मिल रहे हैं, प्लीज भी पढ़ लेना इन्हें। HPIV 3 जो है वो काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, यानी कि ये काफी ज्यादा फैल रहा है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या वो सब चीजें ज्यादा फैल रही है और अभी तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं है। आई होप कि अभी तक की चीजें आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो क्लियर हो ही गई होंगी। इफ नॉट सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। इट्स योर टर्न, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी डाउट आपका है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितने भी आंसर्स आप लोगों से पूछे गए हैं प्लीज आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपकी EPFO एग्जाम के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर और अपडेट्स वगैरह हम लोग लेकर आते रहेंगे। आई होप ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट होगी। रिगार्डिंग PDF, डू नॉट बी वरी, यू विल बी गेट ऑल द PDF ऑन द स्टडी आईएएस टेलीग्राम चैनल। लिंक विल बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।